हमेशा हमारे साथ
रहे, जो परेशानियों में हमेशा हमारे साथ रहे, जो हमारी मुश्किलात में हमारे साथ रहे। आज के खराब के वसीला से तमाम बंधन जो है टूट गए, तमाम बीमारियां परेशानियां दूर हो गए और तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल बनता रहे। ये सब कुछ हम मानते हैं और पा लेते हैं अपने खुद जिंदगी यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। बुलंद आवाज से कि आमेन आमेन आमेन। आए हम जोरदार तालियों में अपने पास से सबको वेलकम करते हैं। राज शख्स के लिए भी है जो शख्स खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, लेकिन उससे डरता पूरे ईमान से, वो खुदा के कलाम को सुनता नहीं लेकिन जाने अनजाने उसके हुक्मों पर अमल करता था। आए आज मुकद्दस में से निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 18वां उसकी 9 से 14 आयत। लुका की इंजील उसका 18:9-14 आयत। और यहां पर यूं हुक्म है, फिर उसने पांच लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तफसील कही कि दो शख्स हैकल पे दुआ करने लगे, एक फरीसी और दूसरा वसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम बेइंसाफ ज़नाकार और इस मसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दैनिक देता हूं। लुका की इंजील 8वां उसकी 9-14। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट कर कहा, ऐ खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे के निस्बत रास्तबाज कहकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज हम लोग इसी तरह रोजे रखते हैं,
फिर हम दूसरे किसी शख्स को देखते हैं, जिस तरह हमारे कोई शख्स नशा करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, तो हम कहते हैं यार शराब नशा शराब। और फिर हम अपने ही घर में तमाम बदकारी वाले काम करते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बहन भाई का सम्मान नहीं करते, तो हम खुद को किससे कॉल करते हैं, नशा करते हैं। मैंने रोजा रखा है खुदावंद, हफ्ते में दो बार, हफ्ते में दो बार रोजा रखा और बाकी के पांच दिन सिर्फ गुनाह किए। आज हम लोग अपनी दया की खुदा का घर में उम्मीद देते हैं। यहाँ पर जो ये शख्स है जो फरीसी जो बहुत बड़ा रास्तबाज जानता है, जो दूसरे में से कीड़ा निकालता है और खुद की कहते हैं दूसरे की आग का चक्कर और अपनी आग का शतीर में ही निकाल रहा। अगर आप लूका के अंजील इसका 18:9 से 12 आयत तक पढ़े तो आपको फरीसी का गुरूरी नजर आएगा। बड़ा ही कॉन्फिडेंट है कि मैं जज्जतिया मैं रोजे रखना और बड़ी जरूरी हो गई। और लिखा है कि फिर वो खड़ा हुआ और अपने जीवी क्यों दुआ करने लगा। दूसरे पर मैं और फिर भी वही सब किस तरह कि मैं यहां कहता हूं कि हां मैं साहब भाई भाई चंगा ना अंडर सर तो उन्होंने मुझसे बड़े चेची बोल कर दिया। मैं नहीं कभी बोल रहा है कि जो लोग की बारी आई कि साहब साहब को भी दो अल्फा के बोल दो तो की गिनती दूसरे से कर कर यार ये ढोल ढोल जाने वाले भाई ढोल बड़ी चीजें ना मैं कभी मजाक सुनावा तो जो लोग की बारी आई है जानी ना खुद खुद हम बहुत सी गलतियां करते हैं लेकिन अपनी गलती इस पर खुद अपनी गलती किस पर डाली वेड़े के बेड़ा नहीं सीधा। आज मैं इस बात को रटाता हूं इंग्लिशिया में आज ही यही होगा। माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ ले देते ताकि वो कलाम को सीखे, क्योंकि जब जब भी वो गलती करेगा डरता होगा ना तो आप बाप को क्या कहते हो ये उधर पर पिछले सवाल वाले चर्च में बैठना है वो दो सुने हैं कि गल गल अपनी गल कर तो तू वेला हो गया बच्चा फौरी बैठ जाएगा और सोचेगा मैं अपना काम नहीं कर। आज क्या हो रहा है कि हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं और खुद को सीधा नहीं कर रहे। यहां पर खुद को सीधा करने के लिए अपने कान को सीधा करने के लिए आपको अपनी औलाद को यहां खड़ा करना पड़ेगा ताकि आपकी औलाद आपकी वजह से बाबा का हो और औलाद की वजह से आप लोग बाबा का हो। लेकिन यहाँ पर जो फरीसी है ना वो खुद भी गुनाह कर रहा है और इस जरूर में है कि मैं तो चर्चनी आता मैं तो गुनाह कर रहा हूँ मैं किसी से भी इंसाफ नहीं करता मैं किसी से जुल्म नहीं करता और बड़ी तरीके से वो कहता है इस वसूल लेने वाले के मालिक तो नहीं है। उन्हें नारे जो देखा ना जब मैं सब तो ओके मैं तो आ रहा हूं मैं पास करूं मैं यहां ही खड़ा हो रहा हूं हाथ उठा के दुआ करता हूं मेरे पीछे जो टीम में लड़के हैं उनमें से किसी की एक बात बात मुझे पता है और मैं कहता हूं कि मैं बाकी पड़े हुआ हूं नहीं आ के कट पीछे कोई कोई बोल दे कोई
अब वो ये बात चाहता है कि मैं इससे क्या बात और किस तरह प्रभावित होता हूँ। लेकिन मैं आगे खड़ा होकर पीछे वाले पर कोई उठा रहा और पीछे वाला खड़ा होकर कहता है खुदा खुदा मैं ऐसे काबिल नहीं हूँ कि तेरी बार का चाचा मैं ऐसे काबिल नहीं हूँ कि मैं तेरे हजूर झुक झुक सकूँ मैं ऐसे काबिल नहीं हूँ कि खुदा तेरे वाले सिर झुक के दुआ कर सकूँ क्योंकि मैं गुनाह ना करूँ कि अगर करा होंगे मैं उन्होंने फैसला कर करता तो जान रखे कि खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो गुरुमुर में भरे हुए हैं। सर पर बटा कर सीधे हो गया खुदावंद ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते जो अपने आप में ये चीज रखते हैं कि यस आई एम बेस्ट। अभी यहाँ पर बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि पैसा मैं क्या कर रहा हूँ तो बड़ी पैसा से कि बैठे बच्चे क्या क्या सिर से बचा रहा है तो बच्चे जो अच्छा फटा फटा बस कर लेते हैं ये लुक्स नहीं का ला ला ये बाय 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 दस दस डाबिंग और सर सर का काम और हमारे अगर आप आज बच्चों की चीजें नहीं याद करवाएंगे नहीं बताएंगे तो आने वाले वक्त में भी स्टेट है। अब यहाँ पर जो मसूल लेने वाला है वो उसकी मानी है जो पीछे बंदा खड़ा हो क्या कह रहा है कि वो बस 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 खत्म हैं मैंने बड़े रोज़ रखे थे मैं रोज़ा रखा ना तो पाजी ने तो बड़ी बड़ी दुआ करता हैं मेरी ये दुआ रात सबसे पहले सोचता है मैं बड़ा रास्ता पा रहा मैंने खुदा बड़ा प्रसाद करता है मेरे रेजू की बात जहन में रखे थे पहले तो इस बात का गुरुगुर ना करी कि मैं बहुत ज्यादा काबिल हूँ कभी कभी बोटा काबिल इंसान पाए पाए कि उस्ताद आके ज्यादा यहाँ पर अगर मैं आपके साथ सलाम शेष कर रहा हूँ तो अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जो आने वाले वक्त में आपके लिए साथ में होगी तो आप मेरे कहने पर वो काम करते जाएंगे तो मैं ज्यादा सजा का हकदार होगा आप लोगों को जिस तरह हम लोग रात रात खुद नहीं बनाते हम अपने चर्च में रात रात लोग नहीं करते क्योंकि बिब्लिकल ये असर है ही नहीं और इसको हम साबित भी कर चुके हैं कलाम के जरिए और अगर मैं भी यहाँ पर वही करता रहा तो आने वाले वक्त में मैं सजा का हकदार होगा क्योंकि मैं जानता कि यार ये कोई रसम नहीं है ये बिब्लिकल कोई रसम नहीं है और मैं फिर भी ये जाऊंगा तो मैं सजा का आज आप लोगों के लिए भी लाजम है कि जान रखे कि अगर आपने हफ्ते में दो रोज रखे या एक रखे हैं तुसी उसी गुनाहगार का सर से कोई साथ नहीं करता कि तुसी उसी ताने मार मार ना खुदा का सर से कोई साथ नहीं करता। मैं साफ बात बोलूंगा आप लोग दुआ करो ना करो मैं दुआ करूं ना करूं खुदा पढ़ेगा सही कह रहे और मैं दुआ करूं तो खुदा नहीं पढ़ेगा मैं दुआ ना करूं तो भी खुदा नहीं पढ़ेगा क्योंकि यक्षा है यक्षा था यक्षा ही रहेगा वो जैसा था जैसा है जैसा वो पहले से था वैसा ही अब आने वाले वक्त में रह रहे हैं। हमारी हाँ अगर आप लोग दुआ करते हैं तो हम अपने लिए बरकत पर अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर आप के लिए दुआ करता हूँ यहाँ होकर आप आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा खुदा मेरी दुआ को सुनता है तो इसका मतलब है कि शायद एक बार बोलूंगा ये बात याद रखिए इस बात को ध्यान से सुनिए खुदा चाहे ख्वाहिश सुनता है जिस सच है खुदा चाहे ख्वाहिश को सुनता है आपकी कोई चाहे ख्वाहिश नहीं पूरी करता है ਕਿੱਡੀ ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ
हां जी खुदा के सो सिर से क्या है इस बात दसो पता लिखा है अब आपकी बारियां बताओ इसके साथ क्या है तो लिखा है कि खुदा के सो सिर से जमीन पर कुछ लिखने लगा फिर वो लोग आपस में बातें करते हैं फिर उन्होंने दोबारा कहा पूछा तो लिखते लिखते रुकते हुए कहा तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी अपना नहीं यहां पर गौर कीजिए कि ये जो शख्स है यही पत्थर मार रहा है मारी जा रहा है और कह रहे हैं मसूल लेने वाले जनाकार हैं मसूल लेने वाले रोज़ रोज़ देखते मसूल लेने वाले बदकारियां क्या किया जुल्म कर रहे हैं और वो पत्थर पर पत्थर पर इसी तरह जब वो और खड़ी होती है ना तो खुदा खुदा उस चीज भी जवाब दे दे थोड़ी देर के बाद खुदा खुदा उस चीज कहते हैं पहला पत्थर वो पाए जिसने सभी गुनाह ना किया और वहां पर पता क्या लिखा है बड़ी बड़ी सुंदर लाइन है मुझे बहुत पसंद था वहां लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक चला गया मैं लफ्ज अपने अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन वहां पर लिखा है मतलब लिखा कुछ और है उसका मतलब ये है कि छोटे से लेकर बड़े तक चले गए और सबको एक एक पत्थर था और फिर वहां पर क्या हुआ खुदा खुदा उसी को सिर्फ सिर्फ पूछ रहे हैं क्या क्या तुझे किसी ने कोई हुक्म दिया वो कहते हैं नहीं तो कहते हैं मैं भी तुझे कोई हुक्म नहीं देता जा तेरे खिलाफ मुआवजा अब ये क्या सिलसिला है कि खुदा खुदा उसी को सिर्फ उसके गुनाह माफ कर दी सोच कर देखे कि वो जमीन पर कुछ लिख रहा है या क्या कर रहा है मैं नहीं जानता बाइबल में लिखा है कुछ लिख रहा है तो लिख रहा तो अजीब बात ये है कि हम लोग वहां पर खुदा के सिलसिले ने थोड़ा सा देख लिया इंतजार अब इंतजार करने के बाद खुदा के सिलसिले ने कहा पहला पत्थर पर मारे जिसने गुनाह किया अब क्यों चुप रहे उनकी तो उनकी चुप रहे थी अक्ल और तनाई का भरा शख्स थोड़ी थोड़ी चुप क्यों हो रही सोच सोच रही था वो दिलों दिलों को भेद में जाता था अगर आप यहां पर देखें तो लिखा है अपने जी ने ये दुआ करता कि आए खुदा आए 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 अब क्या है कि खुदा यीशु मसीह वहां पर दिल दिल बात कर रहे हो दिल में दुआ कर रहे हैं यहां पर जो औरत जना करके पकड़ी गई है खुदा ने यीशु मसीह की से मेरी चुप मैं ये सोच रहा हूं क्यों गए कि वो शायद उस औरत का अंदर का हाल जान जा 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 कि अब जब दिल दिल में गुलाल का इकरार करती है क्या ये आज मरने से पहले ही कहती है कि खुदा खुदा अगर मैं आज आज को आज आज तरफ बच गई तो दोबारा जैसे ही मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये बाय बाय कर रहा हूँ मैं अपनी बात मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद उस और अपने दिल में सोचा होगा कि खुदा खुदा अगर मैं आज बच गई तो बाद तो खुदा ने इसी चीज ने तब तक फैसला कर अब ये दिल पे सच्चे दिल से पछताती है तो खुदा ने कहा कि इसको पहला पत्थर तो मारे जिसने खुद कभी गुनाह ना किया इसी तरह बाइबल में दस में एक और आया था कि अपनी आंख दूसरे की आंख का पिंका और अपनी आंख का शतीर अच्छा पिंके के बारे में सोचा जाए तो बारीक से बारीक लगा रेत का जरा बिल्कुल बारीकी और आंख में कहीं लग जाए ना तो यकीन जानो वो आंख लाल हो जाएगी मान 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 और जब शरीर के बारे में सोचे तो भी सोच के बगैर आंख लाल हो मैं लाल हो शरीर जान ना किसे कहते हैं शरीर और छत्ता जी पाए थे पिंडा दे लकड़ी की बड़ी सी ਸ਼ਤੀਰੀ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗਾਰਡਨ ਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰੀ ਇਸਕੇ ਜਿਤਨਾ
इसके जितना बड़ा शतीर एक शख्स की आंख में हो। कितनी जी जी गल आ गई ना, इतनी सी आंख में इतना बड़ा शरीर। मैं एक दो उठा के दिखा था, दूसरे की आंख का टक्कर पर आंख का शरीर एटा मोटा है। कितना अजीब सा लगता है, इतना मोटा होता है आंख में डाका सा होता है। नहीं नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सुनाल देने की खुदा का क्या जरूरत है उसकी आंख का टक्कर पर आंख का शरीर। क्योंकि हम ज्यादा गुनहगार, हम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखते थे। मैं इसकी आंख का टक्कर दिखा रहा हूं क्योंकि पुत्र तौबा कर रहा है ते आप मैं सारी गुनाह कर रहा हूं। यहां पर जो फरीसी है वो भी यही कर रहा है, वो कहते हैं मैं जरा महसूस ला रहा है वर्गा मैं नहीं जा बेइंसाफी करने वाला जनाकारी करने वाला मैं तो उसके दो रोज नहीं जा ते अपनी कमाई में पैसे पूरी पूरी नहीं। क्या बात है, वो हीरो सी अपने कर वो कई बार ही कहता है सर हंसी अपने आप में भी सोच रहा है ना, मैं अपने आप को शाहरुख खान समझता हूं। वो बड़ी नजर की शाहरुख खान है, आप ही ऐश्वर्या राय है, आप ही शाहरुख खान, आप ही मैं कहना पार्टी पर करते आप ही पापा है, आप ही मैं सोना हूं, आप ही मैं गोरा करता हूं। तो दूसरे ने सारे के फारिग किसी को खुदा ने औलाद दी है वो इस बात के जरूर में है कि मैंने मुझे पहले औलाद देती हो वे हासिल जरूर लड़ते हैं। इस वक्त से गुजर रहा बड़ा जीव है, यकीन जाने जो इस वक्त से गुजर के आए हैं कभी आप कम सब सोच के थे या जो इस वक्त पे गुजर रहे हैं उनसे सोच के थे। ले ले देखो मैं तेरा अपना प्रेम कर रहा हूं, तेरे अंदर पता नहीं कितने गुनाहों की सजा है वाले तक आ रही है। आप भी फिर से कर रहे हैं क्यों, जो जो गुनाह छाए हैं आज इंसान दूसरे के ऊपर उंगली उठाते थक थकता ही नहीं है और खुद को देख ही नहीं। अजी मैं पापी हूं, मैं हर हर सलाह कर सकता ते पादरी साहब दे अपने घर दे विच आदी के पादरी साहब दूजे दे घर जा दुआ वाथा के कर कर कह रहे ने खुदा खुदा एदा पुत्र नशे तो बच गया ते अपना पुत्र राती शराब पी के घर मर गया ते की फर्क खुदा खुदा ए जने बच्चे ना ए तेरे कलाम च बंध जा ते अपने बच्चे को आगे दीन ला ला। जब हमने गीतों का कॉम्पिटिशन करवाया है मैंने कभी अनाया को डांटा उस तरह ने डांटा तो क्या किया अनाया जब गीत के लिए ऊपर गए सब सवाल का पहुंच गई किस्मत पहुंच जो सभी भाई का पहुंची ना ते अगले जाकर ने गीत गाया रब खुदा का बादशाह कासिम भाई का जितना तीन दफा का गाया लाइन उसने कहा ठीक है वो तीन दफा भी जाना वो बोली गई ਉਈ ਗਾਦੀ ਦੀ ਗਾਦੀ ਦੀ ਗਾਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਇਸ ਜੀ ਕੋ ਰੁਕੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਸਾਥ ਆ ਝੂਠੀ ਝੂਠੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਜਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ सबको मैंने कहा आपके नीचे जान जाना है कि आप गीत नहीं आया आपके पापा और आपके मासूम से लड़ रहे हैं। वो कह रहे पापा का गुस्से से कहना कि हम गीत क्यों नहीं और वो बड़ा लड़ रहे हैं। अच्छा अब था वो ऊपर भी आया फिर एक ऊपर आया उसको मैंने कहा तू जाके खिलाड़ी दादा तू जाके और बोलो बड़े बड़े से अब अनाया में थोड़ा सा दादा अब अनाया गीत ही आ रहा है। बच्चे को कई बार आपका डरा देना भी बहुत होता है और जिंदगी बदल जाती है। मैं यहाँ का और जो शख्स की नहीं आता और मेरे बल से चौंका था या जो शख्स नीचे है मैं यहाँ पर करूँ कि क्या वो चर्च नहीं आता तो जो शख्स
मैं क्या करता हूं मैं करता हूं मैंने कहा भाई साहब सारे डिप्टी जेल जा रहे हैं या मैं यहां कहूं कि तुझे सही का नहीं आता कि आप आहा खत्म ही काटा था। सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को देखें क्या हम ठीक हैं। हम खुद ठीक नहीं है, मैं खुद ठीक नहीं हूं। मैं आज भी जब वहां पीछे खड़ा होकर कलाम से पहले दुआ कर रहा हूं तो मैं कलाम पहले करा रहा था। मैं कादरी के लिए मैं गुनाह नहीं करा रहा है ना, मैं रोजे रखने के लिए मैं गुनाह नहीं करा रहा, मैं दे के लिए मैं गुनाह नहीं करा रहा। पहले भी ऐसा जब गुनाह कर चुके हैं ऐसे शख्स ऐसे गुरूर नहीं कि मेरे को बदबू करना है। आप ये जो गुरूर है ना इस किस्म का, आज हमने आगे आफ्टर डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने किस पे अपने चर्च चर्च चढ़ दिए अपने। मैं यहाँ किसी को कहूँ कि भाई आप लोग किस वाले हैं वो गुरूर भाई सब का मैं नहीं है। इसी बात का किस बात हो कि तू इस गुरूर में यही कुछ गुरूर आपको टपोल देता है। भाई मैं डस्टिंग का आया है छह चीजें हैं जिससे खुदा प्राप्त करता है बल्कि सात हैं जिससे उसे कराइए है और वो उनमें से एक चीज है गुरूर का। यहाँ पर फरीसी भी गुरूर में है मेरे बड़े भाई का मैं क्या कहूँ किसी से, हम तो खुद गुनेगार हैं। यहाँ पर बहुत सी बात हम कहते हैं भाई साहब अपने आप को गुनेगार कहते हैं। हाँ हम गुनाह से भरे हैं, तमाम खातमीन गुनाह से भरे हैं क्योंकि आज ने पीपीएच काटा है। आज जो अपने आप स्कॉलर जा रहे हैं वो बंदे दूसरे को आदमी की जान की समझ रहे हैं। वो कहते हैं मेरे वाले वो जोड़ी मैं बाकी सब लोग कहते हैं हम हैं बाकी सब पानी कम है। मेरे जीजू पहले तो जरूरी ये है कि हम लोग लो अपने आप को तैयार करें किसी पर कोई उठाना नहीं। तैयार कैसे करते हैं पहले सोचो जो है काम का तुसी ही कीता है कि नहीं कीता समझ लगता कि असी कर लिया है मतलब कि मैं यहां कहता हूं कि बच्चों गाली नहीं देनी तो मैं अपना मां बाप को लड़ लड़ता हूं। बच्चों दूसरे की इज्जत करनी है तो मैं आप किसे नहीं रखता हूं। गरीब की मदद करनी है कि अपने जो जो पैसा है इतना नहीं कमाना। ये चीजें बड़ी 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 तरक्की रही हैं। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आयत नंबर 13 की तरफ देखें तो यहां लिखा है लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंखें उठा लें। क्या आज आप लोग दूर खड़ा होते हैं साक्षी चर्च की सबसे ऊपर जगह ले रही है फहरिस्त में सबसे आगे क्लास में सबसे आगे लाइन में सबसे आगे गाने में सबसे आगे बजाने में सबसे आगे मतलब आगे 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 बस कोई 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 जगह यार छेदी छेदी चलो बेल 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 सिरे सिरे निकल के सबसे पहले पहले मैं एक बार बार अगेन यार यार पैसा सब हम कहने हैं यार यार चलते तो पाप पर चीजी का अगेन है वो भी चीजी फिर यार मैं जा रहा हूँ आर्मी का अच्छा चाहता हूँ पढ़ाई लेकिन हमने एक काम नहीं करना। वो काम पता क्या है कि कोई कोई काम शुरू करने से पहले खुदा का आगे झुक जाओ। शाशा हो ना जिन्ने बहुत ज्यादा डांस आ रहे हैं इंच डांस आ रहे हैं जो कहना नीचे का पेजिश कर दिया हो उन्हें जाल सब तो पहले करना है वो और तुम तो है पीछे गाने गीत लाएंगे या खुदा का
लेकिन देखो उसको मिसाल कैसी है, कैसी तसल्ली दे रहा है, फिर नहीं बता रहा पानी वाले वाले एक गाने लगा रहा है वो गीत ला रहा है, चलो जो भी गीत ला रहा है तो ही तो सबर कर, फिर जैसे ही गीत बंद होते हैं गाने लग रहे हैं किससे से ज्यादा की करता भी यार आज की दस बार पहले तो आ रहा है अजड़ी चाचा अंदर आती है कई लोग कहते होंगे यार अपनी टीम की मिसाल दे दो ताड़ी टीम ना भी सही सही सी आ जा तेरा गुस्सा कर अपनी टीम की पता है मिसाल दे बस वो की है कि मैं कासम की मिसाल दे रहा हूं कासम की दुआ कर रहे हैं कासम अल्लाह खुदा खुदा अपना माफ करे मैं बहुत बहुत मैं तेरे से बाबा जी के दिल द्वार पर हूं सब सब मैं तेरे से बाबा कि तेरे हुजूर दुआ मांग रहा हूं लेकिन खुदा 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 कहते कहता है वो कहता है कि ये शख्स दूसरे के इस मसला का वास्ता है उससे ज्यादा रास्ता बात है ना कि उसने सिर्फ गुनाह का इकरार किया किसी पर कोई नहीं उठा मैं उठ के कह रहा हूं आसुस गलत है ते कासा होते बोलो कि पहले अपने गुनाह का इकरार कर ही जा रहा तो मैं ना कर हो गया खुदा का मेरे गुनाह ज्यादा और खुदा ने इसकी माफी को ज्यादा कर दी और जब जब खुदा आपको देख लिया मैं यकीन किया जा रहा सबसे पहले आप अपने लिए माफी मांगो आपका बहन भाई कुछ नजर दूर है चाचा आप आपने फैसला कर उसको मैं सीरियस कह रहा हूं आप इस कोई भी ऐसा ऐसा अपने दोस्त का अपना का आना अपने रिश्तेदार का फैसला कर सकते तो ही सिर्फ अपनी ही की अपने नाल लेकर आए हैं आप अपनी ही बीवी के साथ लेके जाओ बहुत अच्छा होगा तो वोमिट हो जाएगा थोड़ा खाना होगा तो भूख भी पूरी होगी लेकिन मुनासिब खाना होगा तो वो अच्छी तरह से मैं कहता ये भाई भाई बहुत बहुत सुरत ढोल हो जाते हैं अभी हमारे साथ डेढ़ माह हुआ शाजी क्या हुआ भाई भाई हमारे साथ जुड़े हुए अब वो आधा घंटा तस्वीर पर जा सकते हैं और अगर यही उनको ये कहा जाए कि भाई साहब आप जाते हैं हाथ धोना भी नहीं उन्हें प्यार प्यार तक रखने के लिए चीज सोच सोच जाए जाए कि आप आते हैं स्टेशन लेकिन जो रात का आटा आटा एक बार बार नहीं देखते अज तुसी जी अपने लिए कर अपने लिए माफा मांगा जरूरत नहीं है कि मैं कौन कह के आ गया सिर्फ माफा मांगो अगर तेरे दिल च ज्यादा है माफा मांगने की ख्वाहिश है कि खुदा खुदा मुझे माफ कर क्योंकि मैं शायद रोजे रखने वाले और मैं जानता बहुत गुनहगार हूं मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं तुसी गुनाह का इकरार कर लो तो खुदा खुदा मुझे माफ कर दे मैं बस उस वक्त इस तरह एक ये एक इस तरफ एक कहता है खुद भी बादशाह है मैं भी बचा तो दूसरा कहता है जिन्होंने अपने बादशाह से जाई जाई की याद रखा है और वो किस्मत आने जोड़ी हुई है बल्कि उन्हें सिर्फ की मां के नाल खुदा का नाम की दादा का नाम बरकत का सो किसी तरह असी भी अपने गुनाह का इकरार करते तो जिन्हें उस औरत खुदा ने दिल तक भेज जा जा क्या चाह तो अपने गुनाह का माफ कर जिस तरह खुदा कहना है कि अपने दूजे की अखियां दिक्कत है अपनी अखियां शरीर दिक्कत है
या जंगला की ऋषि की पर परे बुलाओ राम लाल हर के खुदा 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 ऐसा वक्त में कलिमा दिख रही है प्रेस हालेलुया एड्रेस ऑफ सब का इश्क का साथ साथ प्लीज प्रे प्रे हालेलुया थैंक यू जीसस बड़ा अच्छा नाम हो रहे हैं खुदा खुदा यीशु मसीह के हालेलुया कहां में से आया है कि हमें हर मन अपनी इच्छाई की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि खुदा का को ये पसंद नहीं है सो आए हम प्रस्तुत करेंगे और खुदा से इकरार करेंगे और कहेंगे कि खुदा मैं जो तेरा बंदा बनाएगा मुझे बख्श मुझे रिहाई दे तो मानना चाहिए कि वो आपको रिहाई बख्शेगा आपके गमों से आपकी परेशानियों हालेलुया मेरे अजीजों अपने अपने गुनाहों के बारे में सोच कर खुदावन से कहे खुदावन मुझे माफ कर क्योंकि जब आप माफी मांगोगे तो फिर आप ख्वाहिश भी कर सकते हो जब जमीनी पियो को माफी मांगते हो तो दे बाद 15-20 मिनट का कहना अब्बू जी सॉरी मैं कल तुम्हारी गल नहीं मनी तो थोड़ी देर बाद जा कहना अब्बू जी वो मैनू ना यह चीज चाहिए अब्बू कहता ने हमने माफी मांगी है चल मैं अपने पुत्र की सुनता लेकिन लेकिन बाप अपने बच्चे को तब ज्यादा बरकत देता है जब वो बच्चा माफी मांगने के बाद वो काम दोबारा ना करे आए हम सब दुआ करें हालेलुया मैं रिक्वेस्ट करूंगा कासिम भाई से बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं कबिया अर्श ते धरती हिले अगर वो हालेलुया देवो पहले उसकी तंजीद करें और फिर गुनाह इतने करें कि हम भी वैसे ही हो जाएं एनु सलीम दो एनु सलीम दो आओ अपने गुनाहों का इकरार करें Hallelujah.
खालिक और मालिक, मैं तेरे हजूर यहाँ खड़े होते अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। खुदावंद, हम हमेशा इस बात का इकरार करते हैं कि हमने तेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खुदावंद आज अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदावंद यहाँ मौजूद, खुदावंद तेरे हजूर खड़े हैं। खुदावंद, हम
बहुत से गुनाह करते हैं जाने अनजाने, खुदा हम तुझसे आज अपने गुनाहों का इकरार करते हुए माफी चाहते हैं। खुदा हमें मुआफ कर ताकि खुदावंद हम तेरे पसंदीदा बेटे बेटियां बन सके। मसीह खुदावंद तुझसे तेरी बरकत को चाहते हैं, खुदावंद अपना फजल वाला हाथ खड़ा कर खुदावंद हर एक रूह जान जो तेरे हजूर खड़ी है खुदावंद इनकी दिल की ख्वाहिशों को कबूल कर। खुदावंद आप जानते हैं हमारे दिल की ख्वाहिश को, खुदावंद तेरे हजूर अपनी दुआओं को रखता हूँ। खुदावंद हमें गिरजाघर के लिए खुदावंद हमारी अपनी जगह मुहैया कर जहाँ खुदावंद तेरे कामों को और भी ज्यादा कर सके। मसीह खुदावंद हमें बरकत दे कि हम अपने गिरजाघर की बिल्डिंग ले सके और खुदावंद उस गिरजाघर में खुदावंद एक हॉस्टल एक यतीम खाना बना सके जहाँ बच्चों के लिए खुदावंद अच्छी तालीम और खुदावंद अच्छे हुनर के लिए और खुदावंद उनको तेरे प्रस्तार और बेटे बेटियां बनाने के लिए खुदावंद हमें अपनी बिल्डिंग की जरूरत है। खुदावंद बरकत दे कि हम तेरे नाम और तेरे जलाल में बढ़ते हैं जिस तरह खुदावंद इसी तरह हम तेरे कामों में भी बढ़ते जाए और तुझसे बरकत को रिसीव कर सके। खुदावंद ये जितनी रुझाने यहाँ तेरे हजूर खड़ी हैं कि दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर, खुदावंद इनकी हर जायज ख्वाहिश तेरे हजूर बहुर की मानित पहुँचे, हमारी ख्वाहिश तेरे हजूर बहुर की मानित पहुँचे। खुदावंद हम जैसे बेऔलादों को खुदावंद औलाद वाला कर, जहाँ खुदावंद तीन है उनको चार कर, जहाँ दो है उनको तादाद में बढ़ा ताकि खुदावंद बेऔलादी यीशु के नाम से चाहती हो, रुपए पैसे की कमी आज और अभी यीशु के नाम से चाहती हो। खुदावंद खुदावंद बच्चों की सहेलियां भी तेरे यीशु नाम में भरती हैं, खुदावंद बच्चों की तालीम खुदावंद बुनियादी के साथ साथ रूहानी भी तेरे यीशु नाम में भरती हैं। खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो, खुदा से प्यार करो और जब खुदा आपको दे आने तो गुजारी करते हुए खुदी का प्यार के हजूर अपनी दुआएं सजाए रखते हैं। खुदा से प्यार यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल हों और कहेंगे अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक है तेरी बात सही है
तेरे बच्चे जैसा आसमान पर कोई होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज रोटी आज मिले और जिस चुनाव तू कर्ज भर भर बार बार गया है तू भी हमारे मर्ज में बार बार है और मेरे भाई भाई ला बल्कि भाई सच्चा कि बादशाह और जलाल हमेशा शरीर में है आमीन। खुदा पाक की रहमत पाक रूह का फजल पाक रूह की रफाकत और शाकत अफसरे के हमेशा तक हाजिर जमात के साथ खुदा उन शुक्र गुजारियों को कबूल कर हमारी गुनाहों के इकरार को हमारी माफी को कबूल कर और खुदा उन हर एक रूह जान की हर जान ख्वाहिश को कबूल करना उसी यीशु के नाम में आमीन 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 हालेलुया। खुदा पाक बेटे और रूह कुदस के नाम में आमेन। खुदावंद आप सबके साथ हो खुदावंद आप सबको बरकत दे आमेन।